नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी इन्फो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ जो आप सभी ईपीएफओ मेंबर फेस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र के बाद आपको अपने ईपीएफओ टाइप करना है। इसके बाद ये आपको मेन लिंक जो है इसका ईपीएफओ का, इस पर क्लिक करना है और फिर आपको ये केवाईसी मेंबर पे क्लिक करना है। आपको अपना यूएन नंबर डालना है इसमें। इसके बाद आपको इसमें पासवर्ड टाइप करना है अपना। फिर इसमें अपना कैप्चा टाइप करना है। और साइन इन पे क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा ये साइन इन नहीं हो रहा है और इसमें ये आप मेरे को पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, ये कोई एरर नहीं है ना आपके कोई दिक्कत है इसमें। ये एक 2023 का ईपीएफओ का एक नया अपडेट है जो कि सभी ईपीएफओ मेंबर के पास आया है। इसमें बस आपको एक रूटीन के हिसाब से आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। पुराना पासवर्ड इसमें टाइप करना है, नया पासवर्ड डालना है और इसको चेंज करना है। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। आपको ये यहाँ पे बॉक्स पे टिक करना है और नीचे आके गेट आधार ओटीपी, जो भी आपका नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस नंबर पे ओटीपी आएगा। देखिए ओटीपी मेरे नंबर पे सेंड हो चुका है। यहाँ पे हम ओटीपी टाइप करेंगे अपना और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरा पासवर्ड रिसेट हो चुका है और आपको भी बस यही करना है। ये एक बार में अगर नहीं होता है, कभी कभी सर्वर्स की प्रॉब्लम आती है, एक बार में नहीं होगा, दो बार में नहीं होगा, तीन बार में नहीं होगा, पर आपको थोड़ा टाइम के बाद, 5 आवर्स के बाद, 6 आवर्स के बाद इसको दोबारा ट्राई करना है तो ये हो जाएगा। इसमें कोई इशू की बात नहीं है ना, इसमें कोई घबराने की बात है। तो इस पर हम दोबारा क्लिक करेंगे, क्लिक टू लॉग इन। एक बार आपको दिखाते हैं कि पासवर्ड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। फिर से हम अपना इसमें यूएन नंबर डालेंगे। फिर हम इसमें अपना पासवर्ड टाइप करेंगे। फिर हम अपना इसमें कैप्चा डालेंगे। फिर साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, मेरा होम पेज खुल चुका है। देखिए बिल्कुल मेरा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मेरा ये सब कुछ ओके हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही है आप उसको इस चीज़ का सॉल्यूशन बताइए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।